तो हमने उबर बुक कराई है। उबर बुक करा के हम सीधा, कार देखो सीतापुरा में जा रहे हैं। मगर क्यों? और मैं जहाँ पे हूँ और जो सीतापुरा है वो जयपुर के एक कोने से दूसरे कोने में है, यानी हमें यहाँ से जाने में कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगेगा, क्योंकि अभी दोपहर का टाइम है तो रास्ता भी खाली मिलेगा। ओके। और मेरे साथ में महान यूट्यूबर। हाय, कैसे हो गाइस आप सब? और ये है हमारे कैमरामैन एडिटर। कहाँ जा रही हो तुम? मैं मर्सिडीज लेने जा रही हूँ, जो मेरे इंस्टा पर आपने देखी थी ना वो। और तुम? मैं साथ चल रहा हूँ। तो वो BMW लेने जा रहा है, वो मर्सिडीज लेने जा रहा है, और आपका भाई छोटी सी गाड़ी लेने जा रहा है। आने के टाइम पे लड्डू खिलाएंगे आपको, और अभी कार का पर्दा भी उठा के दिखाएंगे। प्रतापनगर में पहुंच चुके हैं। तो कहाँ करें भैया? बस यहाँ से थोड़ी दूर है कार। अच्छा, तो भैया हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं और कार देखो में एंट्री हो गई है। और ये क्या बोलते हैं, कैमरा एडिक्ट, इनको कैमरे के अंदर फुटेज खाने की आदत पड़ी हुई है। इनके ब्लॉग में आने में ज्यादा मजा आता है क्योंकि फेम मिल जाती है फ्री में। सस्ते ब्लॉगर है ये, गजब बेइज्जती है। तो चलते हैं, दराओ। तो भैया हम अपनी जेब खाली करने आए और यहाँ से एक टीन का डब्बा लेने के लिए आए हैं, जिसको कार भी कहते हैं लोग प्यार से। अपनी गाड़ी में रबिंग चल रही है अभी, इसकी गाड़ी तैयार होने में थोड़ा समय लगेगा, जब तक बिलिंग वगैरह करवा लेते हैं इनसे। ठीक है। बहुत बोर हो रही हूँ, है ना, बहुत टाइम लग रहा है पीछे, और गर्मी भी लग रही है, प्यास भी लग रही है, भूख भी लग रही है, चाय की प्यास लग रही है, पता नहीं ऐसी फीलिंग आ रही है। मालिक ने कहा फंसा दिया मेरे को। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। तो भैया कार की कार्रवाई चल रही है, पेमेंट देने का टाइम आ गया, इंश्योरेंस भी करवा लिया है, अब थोड़ी देर बाद पर्दा हटाएंगे हम दुल्हन के ऊपर। तो ये चाय पिला रहे हैं कार देखो वाले, हमारी जेब खाली करके हमारे से एक चाय पिला के देख रहे और एक चाय के लिए इनका बहुत शुक्रिया। गजब बेइज्जती ये मालिक कार का पेमेंट करते हुए, इनका दिल धक धक कर रहा है कि करूँ या नहीं करूँ। कंजूस है ना, और मेरी आवाज़ को पता नहीं क्या हो गया, वो भी डगमगा गया शायद, कंजूस है आवाज़ भी मेरी। 6 मंथ 7,500 किलोमीटर तक की वारंटी टच मार्क कार में कार देखो अपनी तरफ से देती है, इंजन और गियर बॉक्स की, जिसमें आपका जिसको कार देखो खुद अपनी तरफ से देती है गाड़ी, आप टेंशन फ्री होके आप गाड़ी चला सकते हो। तो भैया कार का पेमेंट हो चुका है, अब डिलीवरी लेने का टाइम आ चुका है, नज़दीक आ गई है, और अब अपनी दुल्हन पहली बार अपने अकाउंट से इतना बड़ा अमाउंट गया है, दिल की धड़कने बढ़ रही है। कंजूस इंसान के हार्ट अटैक से यही मतलब लौट जाना, मेरे को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा ना इनको। तो मालिक आज आपको इतनी खुशी हो रही, पार्टी कहाँ दोगे? पार्टी भैया लड्डू खिला दूंगा मैं ना, मंदिर जाएंगे तो लड्डू खिला दूंगा, और एक जो सोया चाप आती है वो भी नहीं, वो खिला दूंगा कुछ, और उसके अलावा कुछ नहीं मिलने वाला भैया। नहीं नहीं कोई क्लब व्लब नहीं भैया, हम ना क्लब में जाते हैं ना। गाइस आई नीड दारू, आई नीड अल्कोहल। भैया पेमेंट वेमेंट हो गया है सब कुछ, इंश्योरेंस भी करवा दिया है, और सब डिलीवरी का टाइम आप गाड़ी लेकर बैठ जाएंगे। तो गाइज मुझे यहाँ दारू के लिए निराश कर दिया गया है, पता नहीं कब मेरे को नसीब होगी दारू। आई लव दारू। आज मैं कैमरा में बहुत सुंदर लग रही हूँ, आप भी कुछ तारीफ कर दो मेरी। भैया इसके चैनल को जाके सारे अनसब्सक्राइब कर दो, झूठ बोले जा रही है ये। नहीं नहीं प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, अगर आपको अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करो, अगर नहीं लग रही और आपने सब्सक्राइब किया हुआ तो अनसब्सक्राइब करो अभी के अभी जाके इसको तुरंत। ये क्या था, मैं तारीफ करने के लिए बोला? ये तारीफ है, मुझे नहीं खेलना, मैं नहीं खेल रहा, मैच से बाहर, मैं इंडिया हूँ, मैच से बाहर हो गया, आउट हो गया, प्लेयर आउट हो गया। पैसे लिए थे झुंड बना के खड़े हुए थे, पैसे नहीं लिए थे, जब तक पैसे लेते सब गायब। 259 का था, मैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का अमाउंट हमने लेस कर दिया, ये 2 कॉपी है, एक हमारे पास रहती है, एक आपके पास रहेगी। भैया हमने कैश में लिया गाड़ी, कोई फाइनेंस नहीं है हमारा। तो भैया टोटल 21 साइन अपन कर चुके हैं, अभी पता नहीं कितने करने हैं। ये RTO पेपर के लिए अभी देखो चालू है, अभी पिक्चर अभी चालू है एक यहाँ पर।
हाँ जी, ये है की रखने का डब्बा है, कार देखो की तरफ से की रिंग है। असली चाबी तो इन्होंने अभी तक दी नहीं, लेकिन इन्होंने ये दी है अभी गिटार बजाने के लिए हमारे को। फिर अब हमको देंगे छोटी चाबी। मैंने ना मालिक को कार गिफ्ट की है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। फीलिंग को समझो, बंदे कितना कर दी, कितना गिफ्ट दे दी है मालिक को, और ये मेरे को सिर्फ गालियां देते हैं। जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। दुल्हन का मुंह दिखाई आने का टाइम आ गया नजदीक, और आपको अभी दिखाते हैं हम हमारी दुल्हन, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी नाबालिग है अभी। क्या बोला तूने? नन्ही सी नाबालिग है अभी, बालिग होने का इंतजार करेंगे उसका। माफ करना, मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। तो भैया ये हमारी दुल्हन आ चुकी है, अभी इसका पर्दा उठाएंगे, अब देखते हैं हमारी कौन सी गाड़ी है। और गाड़ी के बारे में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, वो जाके मैं बताऊंगा आपको ऑफिस के अंदर, और कितने की ली, कितने की पड़ी, क्या नहीं है, क्या हिसाब किताब है, और सब कुछ एवरीथिंग। लेकिन उससे पहले करेंगे हम इसकी वो दिखाएंगे। अच्छा लग रहा है, पहली बार डिलीवरी लिए कार की, और इस तरीके से लिए, अपनी मेहनत से लिए, और ठाकुर जी की कृपा से लिए, आप लोगों के आशीर्वाद से लिए। और ठाकुर जी ने चाहा तो बड़ी भी लेंगे, पंच भी लेंगे, और टियागो भी लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ये है। और मुझे जो भी मेरे पास जो भी चीज़ होती है मुझे बड़ी प्यारी होती है, बड़ी प्यारी है, छोटी सी है, अच्छी गाड़ी है, और इसकी डिटेल्स है मैं आपको बताऊँगा ऑफिस जाने के बाद। इन्होंने ना इंडिकेटर बंद करने के लिए ना वाइपर चला दिए, तो क्या ड्राइवर बनोगे रे? तो मालिक आपको ड्राइविंग आती है, या मतलब हम गाड़ी में बैठ जाएं, या फिर सोचे समझे कुछ की नहीं? बिल्कुल सोचना समझना, क्योंकि मुझे ड्राइविंग में मेरा हाथ साफ नहीं है। वैसे तो मुझे आती है, लेकिन थोड़ी झिझक है मन में, और वो झिझक थोड़े समय के बाद निकल जाएगी जैसे जैसे मैं इसको चलाऊंगा। और वैसे मेरी झिझक तो इस पे बैठते ही निकल गई है। मतलब मैं बैठ सकती हूँ क्योंकि मैं खतरों का खिलाड़ी हूँ। हाँ बिल्कुल, तुम रिस्क ले सकती हो। हाँ। चाय आ गई है, चाय पीते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। मैं कुछ कहना चाहती हूँ, हमारे कैमरा मैन को कैमरा चलानी नहीं आती है, मालिक को कार चलानी नहीं आती है, क्या होगा हमारा? और मुझे यूट्यूबर को यूट्यूब चलाना नहीं आता है, क्या होगा हमारा? चाय पीते फिर चलते घर। आवाज़ हो रही है, आवाज़ नहीं आ रही है। गणेश जी के मंदिर है गढ़, मोटी दूर गणेश जी के नाम से इनको जानते हैं, और प्रथम पूज्य होते हैं गणेश जी, इसलिए मंदिर आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब इसके बाद की शॉट नहीं मिलेंगे देखने के, क्योंकि इसके बाद हमारा फ़ोन हो गया था डेड, और इसके बाद मैं आ चुका हूँ ऑफिस में, और आप ऑफिस देख सकते हो। अब गाड़ी कितने की ली, कितनी महंगी पड़ी, कितनी सस्ती पड़ी, कौन सा मॉडल है, वो बताए बिना तो मैं आपको जाने नहीं दूंगा। आप रुको दो मिनट और। ठीक है। मैं काफ़ी दिन से गाड़ी खरीदने की सोच रहा था, मेरे पास पैसे तो थे नहीं कि भाई मैं नई गाड़ी ले लूँ, टियागो ले लूँ, पंच ले लूँ, या फिर हुंडई i10 i20, तो ये अपनी औकात से बाहर है। मगर क्यों? तो भैया अपन है प्योर गरीब आदमी, हम शुद्ध गरीब हैं। ये गाड़ी के सेकंड हैंड पैसे भी जुगाड़ पता नहीं कैसे ने कैसे करके जुगाड़ कर लिए, वो भी आप लोगों की कृपा की बदौलत है, क्योंकि आप इतने सारे प्यार और सपोर्ट देते हो, और हमेशा कहते हो भाई आपके पास कौन सी कार है, कौन सी कार है, और बड़ी शर्मिंदगी होती थी, तो फिर आपके भाई ने आज हुंडई ईओन ले ली।
छोटी गाड़ी है लेकिन काम चला लेंगे। वैसे भी मुझे इतना यूज नहीं आती, मैं ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, तीसरी जगह तो मैं बहुत कम रैली कहीं जाता हूँ। लेकिन अब एक सवाल का जवाब तो है मेरे पास में जो मेरे दिल पे लगा करता था कि कौन सी गाड़ी है आपके पास, तो मैं बता सकता हूँ। मैं डीलर से लेना नहीं चाहता था, कार देखो पे देखी, वहाँ आपके थोड़े से रिव्यू देखे, थोड़े वीडियोस देखे और काफ़ी अच्छा लगा, वहाँ का फीडबैक अच्छा लगा मेरे को, तो मैंने वहाँ जाके, मैं लेने तो i10 गया था सेकंड हैंड, लेकिन जो गाड़ी मैं पसंद करके गया था वो गाड़ी मेरे वहाँ जाने तक सेल आउट हो चुकी थी, सोल्ड हो चुकी थी। तो फिर इसके बाद के अंदर वहाँ पर गया तो वहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, तो उन्होंने हमको ये दिखाई, बोला ये गाड़ी देखिए आप, ये आप देख ही सकते हैं। जब मैं फर्स्ट डे वहाँ पर कार देखो पर गया था तो मेरे साथ में मिस किट्टू राव भी थी और वहीं पर ही जाके हमने इस गाड़ी को फाइनल किया और अगले रोज डिलीवरी ली। डिलीवरी हो चुकी है, गाड़ी आ चुकी है। और इसका अगर आपको रिव्यू चाहिए, कैसे चल रही है, क्या है, क्या एवरेज आ रहा है, अगर इन सब का भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन सिर्फ आप ही के लिए है। और कॉन्ग्रेचुलेशन तो आप लिख के जाओगे, ये तो लाजमी है ही है अगर यहाँ तक सुन रहे हो तो। और तहे दिल से ठाकुर जी का और आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।